हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू यूपीएससी सीएसई, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इन दिस सेशन यू विल कम टू नो व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट इज सीएसई, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न एंड फाइनली द सिलेबस। फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली द प्रीलिम्स पार्ट। द नेक्स्ट टू फेजेस, दैट इज मेंस एंड इंटरव्यू, फॉर दैट सेपरेट लेक्चर्स विल बी देयर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन बाय आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी आखिर क्या है? तो यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एक कमीशन है एट द सेंट्रल लेवल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। एट प्रेजेंट देर आर थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज, दैट इज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, एंड नंबर ऑफ अदर सेंट्रल सर्विसेज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इन सभी सर्विसेज के लिए यूपीएससी हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसे हम सीएससी के नाम से जानते हैं। Next, it is an independent constitutional body in the sense that it has been directly created by the constitution. अब independent क्यों है? Because it is free from any kind of government interference. Next, constitutional body क्यों है? क्योंकि इसके लिए specific संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अब संविधान में प्रावधान कहाँ किए गए हैं? तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 in part 14 of the constitution, यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं। साल 2020 एक exception है। हर साल इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग हेल्थ क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ COVID-19, इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन? तो बेसिकली सीएससी के तीन फेजेस है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ओके, यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, इसको पॉज करके पढ़ लेना। हम जो है केवल फेज वन यानी प्रीलिम्स के बारे में ही बात करेंगे, बाकी के दो फेजेस के लिए सेपरेट लेक्चर रहेंगे। सो प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव है, यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसके चार ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स, यानी बेसिकली इसके दो पेपर है। पहला पेपर जो जीएस का है, जिसे हम जनरल स्टडीज के नाम से जानते हैं, ये 200 मार्क के लिए है। पेपर टू सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको भी 200 मार्क के लिए है। फर्क केवल इन दोनों में इतना है कि सीसेट जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी आपको केवल इसमें 33% मार्क्स सिक्योर करना है। ओके, और आपका जो फाइनल स्कोर रहेगा प्रीलिम्स का, ये सोलली बेस्ड होगा आपके जीएस स्कोर पर। ओके, प्रोवाइडेड दैट यू हैव क्वालिफाइड योर सीसेट पेपर। बेसिक जानकारी है, पेपर वन जीएस 200 मार्क के लिए, ड्यूरेशन इसको 2 घंटा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स 1/3 एज अ पेनल्टी। नेक्स्ट पेपर टू सीसेट 200 मार्क के लिए, ड्यूरेशन सिमिलर है 2 घंटे के लिए, इसका नेचर जो है क्वालिफाइंग है, यानी 33% मिलाना ही मिलाना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है, 2.5 मार्क्स ऑफ मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड पेनल्टी, दैट इज 1/3। ओके, इफ यू कैलकुलेट इट विल बी 0.83। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस दैट आर नॉट अटेम्प्टेड विल नॉट अट्रैक्ट एनी नेगेटिव मार्क, यानी क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसके लिए आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं प्रीलिम्स के लिए, या प्रीलिम्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है? तो सबसे पहला है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट ज्योग्राफी, इसमें इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूडेड है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में केवल इंडियन हिस्ट्री है प्रीलिम्स के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री ये जो टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है। ओके, प्रीलिम्स के लिए ये इररिलेवेंट है। तो हिस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो इसमें जो एंशियंट और मिडाइवल वाला पार्ट है, इसमें आर्ट्स एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ना है, इसमें जो यूपीएससी का फोकस है वो केवल और केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ इसरो, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ नासा। ओके, व्हाट आर द रिसेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये सब चीजें जो है यूपीएससी हर साल पूछता है, प्राइमरी फोकस इस पर रहता है, ना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पर। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड फाइनली द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी वीडियो सीरीज बाय श्रेयस बाल सर, इसको देखें, करंट अफेयर के बारे में उसमें पूरी जानकारी है कि करंट अफेयर क्यों इम्पोर्टेंट है,
उसको कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में। अब इन सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वो इवेंट जो नेशनली और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है वो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी हर साल उसी पर क्वेश्चंस जो है पूछेगी। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें एंशंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस है। ओके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के ही आएंगे और उसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हो गया, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट। ओके, और साइड बाय साइड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मो समाज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसके बाद वहाबी मूवमेंट, इस पर से भी क्वेश्चंस आना ही आना है। ओके, रही बात एंशंट और मिडावल की, तो यहाँ पर जो आर्ट्स एंड कल्चर वाला पॉइंट है या टॉपिक है वो ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल एंशंट का अगर क्वेश्चन आया अगर हरप्पन सिविलाइजेशन पर, तो उस पर आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये हो गया एंशंट का आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, लैंड फॉर्म्स। ओके, तो ये सब चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी यानी फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी, पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन हैव वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल फ्रॉम दोज लिविंग इन द माउंटेनियस रीजन। ओके, सो वाई इज दिस, बिकॉज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ओके, तो ये सोशल ज्योग्राफी में आएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी माइंस, मिनरल्स। ओके, इंडिया में माइंस कहाँ कहाँ पर है, कौन सी है, बॉक्साइट कहाँ मिलता। ओके, तो ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स प्रस्पेक्टिव। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ईरा यानी अंडर द ब्रिटिश रूल वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज इनैक्ट किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, देन कार्टर्स एक्ट, ओके, मॉरले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, तो ये चीज़ें सब इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के प्रस्पेक्टिव से। उसके बाद पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने का समय, जब बनाना चालू था तो उस प्रोसेस में व्हाट वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज, हु वेयर देयर चेयरमैन्स, ओके, व्हाट वेयर द डिस्कशंस एंड डिबेट्स। ओके, तो वो सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1950 के बाद वाला पीरियड, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, व्हाट इज डीपीएसपीज, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ओके, वेदर इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उसके फीचर्स क्या है, ओके, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे। फिर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ओके, इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एस्टेब्लिश किए गए थे, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पब्लिक पॉलिसीज, अब पब्लिक पॉलिसीज कौन से रहती हैं, जो गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए बनाती। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल पीडीएस, पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, ये एक प्रकार की पब्लिक पॉलिसी है, इसमें क्या है, फूड ग्रेन्स जो है एट अ सब्सिडाइज रेट टू द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को प्रोवाइड किया जाता। ओके, तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज है जिसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अंडर द सेक्शन इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट राइट्स इशू। ओके, राइट्स इशू यानी फंडामेंटल राइट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो ऑनगोइंग करंट वाले इवेंट्स रहते, फॉर एग्जाम्पल 2 साल से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्यों था, तो सबसे पहले ये चर्चा में था बिकॉज ऑफ द राइट टू प्राइवेसी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, वेयर इट रूल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके,
उसके बाद ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ द साबरीमाला केस, ओके, वेर आर्टिकल 14 वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 25 एंड 26, यानी राइट टू इक्वालिटी और राइट टू रिलीजन, इनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट था, ओके। तो इस पर क्वेश्चंस हमेशा ही यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, ओके, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी वाला पॉइंट हो गया। इसमें क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में व्हाट आर एसडीजीज, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके, तो ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये क्या है, ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ओके। उसके बाद इंक्लूजन, इंक्लूजन यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबका साथ सबका विकास, ओके, तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स यानी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, ओके, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ओके, इससे एसोसिएटेड टर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ओके, इसको हम किस तरीके से रियलाइज कर सकते, तो ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सॉरी, सोशल सेक्टर में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ हो गया, उसके बाद में एजुकेशन हो गया, उसके बाद में इंश्योरेंस हो गया, ओके, तो ये सब क्या है, ये सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए और इनकी सर्विस डिलीवरी एनहांस करने के लिए क्या क्या है, ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो इन सब टॉपिक्स पर यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस पूछती ही पूछती है, ओके। नेक्स्ट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में क्या आएगा, बेसिक एनवायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल नीच क्या है, उसके बाद बायोम्स क्या है, ओके, तो ये सब चीजें आएगी। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी में क्या आएगा, स्पीसीज क्या है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कितने शेड्यूल है, ओके, एक आधी स्पीसीज है तो वो एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, उसका क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिफिकली रेड डेटा बुक क्या है, ओके, तो ये ऑल ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर द सेक्शन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ओके। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इट इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक, ओके, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूएनएफसीसीसी क्या है, व्हाट इज रियो अर्थ समिट, ओके, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स एट द इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल लेवल बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, ओके, तो ये सब चीजें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये वाले सेक्शन में आएंगी, ओके। हर साल क्वेश्चन जो है इन्हीं सब टॉपिक में से आते ही आते हैं, ओके। नेक्स्ट, जनरल साइंस, जनरल साइंस पहले भी बताया कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इज इररिलेवेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव, ओके। यूपीएससी कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कोवेलेंट कोवेलेंट टेट्राबॉन्ड, ओके, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ओके, इसका जो फोकस है वो प्राइमरीली टेक्नोलॉजीज पर है, ओके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजों पर क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं, ओके। तो ये था सिलेबस जीएस के लिए, सीसेट के लिए क्या है, सीसेट के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, उसको खरीद लेना, उसमें ये सब टॉपिक्स डिटेल में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले है कॉम्प्रहेंशन, और इसके बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका नेचर जो है खाली क्वालिफाइंग है, दैट मीन्स यू हैव टू सिक्योर ओनली 33% मार्क्स, ओके, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, सबको मालूम होगा क्या रहता, पैसेज रहते उसके ऊपर क्वेश्चंस रहते, तो पैसेज में से ढूंढ के उसके आंसर्स सेलेक्ट करने पड़ते, ओके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहता। टू अ ग्रेट एक्सटेंट रीडिंग हिंदू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन राइजिंग यूर कॉम्प्रहेंशन, ओके, कॉम्प्रहेंशन को बिल्डअप करना पड़ता, इतना भी आसान क्वेश्चन जो है यूपीएससी नहीं पूछती, ओके। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस है उनके नंबर बहुत कम है या कभी कभी नहीं भी पूछे जाते। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग, इस सेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, तो डिसीजन मेकिंग के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस तो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं यूपीएससी में डिसीजन मेकिंग पर, अगर आए भी, ओके, तो इनको नेगेटिव मार्क्स नहीं रहते, यानी क्या है, उसमें एक केस स्टडी दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि
ऐसा है तो आप क्या डिसीजन लेंगे। ओके, तो उसमें आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपने गलत सिलेक्ट कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी, ऐसा नहीं। इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर के लिए रहते 2.5 मार्क, ओके, उससे कम वाले के लिए रहेंगे 2 मार्क, उसके बाद में 1.5 मार्क, ऐसा ये टाइप में रहता, और अल्टीमेटली 0 मार्क। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये रिलेटिवली बहुत कम बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ओके, बेसिक न्यूमेरिक्स, बेसिक न्यूमेरिक्स में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें। और आखिरी में डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह ये सब रहेंगे और उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ये जो सब है, ये आखिरी के 2 पॉइंट्स, ये क्लास 10th लेवल का है। ओके, तो ज़्यादा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। इसमें जो है कॉम्प्रहेंशन, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द सेक्शन बिलो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज महाराष्ट्र आईएएस अकेडमी, एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस। थैंक यू।